सो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में न्यू अपडेट आ चुका है। और गाइस इस न्यू अपडेट में RGS टूल में बहुत सारे न्यू फीचर्स को ऐड कर दिए गए। तो गाइस मैं आप लोगों को इस अपडेट के सारे RGS टूल के फीचर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग एक बड़ी सी फील्ड पर चलते हैं, क्योंकि गाइस मैं RGS टूल के 40 से ज्यादा फीचर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बड़े से फील्ड पर आ चुके, यहीं पे गाइस मैं आप लोगों को अभी RGS टूल का सबसे पहला फीचर बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लोग RGS टूल में आप लोग डायल करोगे H1, तो गाइस H1 डायल करते ही आप लोगों को यहाँ पर देखो न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है हमारा न्यू हाउस। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को RGS टूल का नेक्स्ट फीचर बता देता हूँ। गाइस जैसे ही आप लोग RGS टूल में आप लोग H2 डायल करते हो, तो यहाँ पर देखो मैंने H2 डायल कर दिया, यहाँ पर न्यू हाउस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोगों को H3 डायल करके दिखा दिया हूँ। यहाँ पर देखो गाइस अगर आप लोग H4 डायल करोगे तो भी गाइस आप लोगों को अलग अलग टाइप के न्यू हाउस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोगों को H5 डायल करके दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर देख सकते हो H6 डायल कर दिया मैंने। और गाइस उसी के साथ साथ आप लोग H7 डायल करोगे तो भी गाइस आप लोगों को अलग अलग हाउस देखने को मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पर आप लोग H8 डायल करोगे तो भी गाइस आप लोगों को देख सकते हो अलग अलग टाइप के हाउस देखने को मिल रहे हैं आपको। और अगर आप लोग H9 डायल करोगे तो भी गाइस देख सकते हो, और H10 डायल करोगे तो भी गाइस आप लोगों को न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर देखो मैंने H10 डायल कर दिया, और आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो 10 आपको अलग अलग डिफरेंट आपको न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग है। गाइस ये वाला आप लोगों को अपडेट कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस, क्योंकि मुझे ये वाला अपडेट काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। तो चलो यारो अब मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे न्यू फीचर बता देता हूं अपने RGS टूल के। गाइस जैसे ही आप लोग यहां पर B1 डायल करोगे, गाइस B1 डायल करने से आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। देखो यार मैंने B1 डायल किया, अभी गाइस मैं B2 डायल करके दिखा देता हूं। यहां पर देखो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को आप लोगों को मिल जा रही है। और गाइस जैसे ही मैं आप लोगों को B3 डायल करता हूं, तो यहां पर भी देख सकते हो आप लोग काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल जा रही है। यहां पर देखो मैंने B4 डायल किया, गाइस वो भी देख सकते हो काफी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल रही है। और गाइस आप लोगों को डिफरेंट बिल्डिंग देखने को मिल जा रही है। यहां पर देखो मैंने B5 डायल किया, तो भी गाइस सबसे अलग अलग बिल्डिंग है गाइस, अमेजिंग ये बिल्डिंग है गाइस। यहां पर देखो मैंने B7 डायल कर दिया, गाइस एक और आप लोगों को बिल्डिंग देखने को मिल गई। और गाइस जैसे ही मैंने B8 डायल किया, गाइस यहां पर देखो आप लोगों को बिल्डिंग देखने को मिल गई। और साथ ही साथ B9 डायल किया, तो भी गाइस आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट बिल्डिंग देखने को मिल जा रही है। B10 डायल करने पर भी आप लोग देख सकते हो क्या ही खतरनाक बिल्डिंग आप लोगों को मिल जा रही है यहां। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने RGS टूल में B1 से लेकर B10 तक डायल करोगे, तो आप लोगों को अलग अलग लंबी बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और गाइस जैसे ही आप लोग अपने RGS टूल में H1 H10 तक डायल करोगे, तो आप लोगों को छोटे न्यू हाउस देखने को मिल जाएंगे। तो चलो यार मैं अभी आप लोगों को ये पूरा का पूरा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी बिल्डिंग और हाउस को अरेंज कर दिया। तो गाइस आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो, 10 के 10 हमारे न्यू हाउस है। और गाइस 10 के 10 पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिल जा रही है। गाइस ये बिल्डिंग को आप अपने कहीं पर भी यूज कर सकते हो गाइस, और कहीं पर भी इसको मंगा सकते हो अपने RGS टूल की हेल्प से। तो चलो गाइस मैं अभी आप लोगों को RGS टूल की मदद से अलग अलग ट्री को स्पॉन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग T1 डायल करते ही गाइस यहाँ पर देखो मैंने एक ट्री को मंगा लिया, और साथ ही साथ T2 डायल करने पर भी अलग अलग ट्री। गाइस अगर आप लोग T3 डायल करोगे तो भी गाइस आप लोगों को अलग ट्री देखने को मिलेगा, T4 से भी अलग ट्री देखने को मिलेगा, और T5 से भी अलग अलग ट्री देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने T6 डायल कर दिया, देख सकते हो 6 के 6 अलग अलग ट्री आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को ये वाला फीचर कैसा लगा अपने RGS टूल का, गाइस ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि गाइस ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा अपने RGS टूल का। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को और अपने RGS टूल के सीक्रेट फीचर बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग C1 डायल करोगे तो आप लोगों को बड़ा सा कंटेनर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ C2 डायल करने पर भी एक बड़ा सा कंटेनर देखने को मिल जाएगा। गाइस देख सकते हो इसके कलर, गाइस अलग अलग कलर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गाइस इस कंटेनर को आप कहीं पर भी स्पॉन करवा सकते हो अपने RGS टूल की हेल्प से। इस तरीके से आप C4 C5 डायल करते ही आप लोगों को अपने कंटेनर मंगा सकते हो। गाइस यहाँ पर देखो आप 5 के 5 कंटेनर मंगा सकते हो, जो कि गाइस अलग अलग कलर से आ जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग अगर W और 1 डायल करोगे तो आप लोगों को एक वॉल देखने को मिल जाएगी, जिसको गाइस आप लोग दीवार बोल सकते हो। गाइस यहाँ पर देखो यार W और 2 डायल करने पे भी अलग वॉल देखने को मिल गई। गाइस ये दोनों वॉल काफी अमेजिंग है। गाइस इसकी मदद से आप कहीं पर भी दीवार खड़ी कर सकते हो अपने रोड पर। और गाइस देख सकते हो मैंने R1 डायल किया, तो आप लोगों को यहाँ पर रैंप देखने को मिल जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोग SD डायल करोगे तो आप लोगों का ये सारा का सारा डाटा सेव हो जाएगा। तो गाइस अगर आपका गेम कट भी हो जाता है तो भी गाइस आप लोगों का उसी लोकेशन पर जो आपने मंगवाया था गाइस वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने काफी सारी बिल्डिंग को मंगा के रखा है, और कंटेनर भी मंगा लिए, और अपना जो न्यू हाउस को भी मंगा के रखा है। तो गाइस यानी कि ये मेरा डाटा सेव हो। तो गाइस यार मुझे ये वाला अपडेट काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।